नमस्कार दोस्तों, अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अयोध्या से। राम जन्मभूमि के नजदीक हुआ धमाका, इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि के नजदीक धमाका हुआ है। ये धमाका थाना राम जन्मभूमि के श्रृंगार हॉट में निर्माणधीन एक दुकान में हुआ है। इस धमाके की वजह से वहां काम कर रहे एक मजदूर अनिल का हाथ उड़ गया है, अब तक की सबसे बड़ी खबर। इसके साथ ही उसके पेट में भी कई छर्रे लगे हैं, उसे गंभीर अवस्था श्री राम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार दुकान के मालिक ने दावा किया है कि यह धमाका पटाखे से हुआ, लेकिन पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानते हुए गहनता से जांच कर रही है। धमाके के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है और अब तक राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चपन्त राय ने बताया था कि अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके लोकार्पण की अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में कभी भी शुभ मुहूर्त में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लोकार्पण किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच ये धमाका हो गया है, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। पुलिस दोस्तों हर एंगल से तलाश कर रही है। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। राम मंदिर में हुआ ब्लास्ट, एक व्यक्ति का हाथ उड़ गया है जिसकी हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।